हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम वेजिटेबल की सीरीज में अगला जो आइटम है हमारा, अगला वेजिटेबल है वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम को बनाने का तरीका आप देखिएगा क्या है। कैप्सिकम की जो शेप है, आउटर शेप है जस्ट लाइक ए एप्पल, ठीक है। तो एप्पल हमने कैसे बनाया था देखिए आप। हमने एक सर्कल लिया था, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन लेके और हमने एक लाइन ऐसे ली थी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं लेनी हमको, हमको थोड़ा सा ये कर्व कम लेना है बस। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैप्सिकम आपके इसके बाद जो हेल्पिंग लाइंस हैं वो हमने इरेज कर दी हैं सारी, देखिए ये इरेज करना है हम लोग, ठीक है। पूरी हेल्पिंग लाइन को इरेज कर देंगे। इसके बाद आपने स्केच पेन लिया ब्लैक कलर का, और स्केच पेन लेने के बाद आपने इसकी स्टेम से स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ से। ये हमारी कैप्सिकम हो गई, ठीक है। अब इसको, इसके अंदर जो भी हमारी लाइनिंग्स हैं, जो हमने अनवांटेड लाइन इसमें पेंसिल की हैं, उनको रेज करना है, हटा देना है। ये देखिए, ये फाइनली आपकी कैप्सिकम की शेप आ गई है। देखिएगा इसका ये जो पार्ट है ना, यहाँ ये यहाँ पे हम थोड़ी चमक दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे और थोड़ी सी ये एरिया, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे दिखाएंगे। जहाँ जहाँ हमको ये दिखाना है हम पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए, राइट। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, जो ग्लेज हमने, क्योंकि चमक होती है ना, ये ग्लेज हमने यहाँ दिखा दी, जो लाइट का है थ्रो यहाँ पे गिर रहा है, और ये एरिया देखो ये यहाँ पे है ना, जो इसकी शेप को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। ये चीज़ आपको करना, यहाँ भी करना है थोड़ा सा, यहाँ करना है, ठीक है, और थोड़ा सा ये यहाँ पर देखिए, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले येलो, ये लेमन येलो हमने ले लिया, लेमन येलो के बाद हमने लिया लाइट ग्रीन और ये सैप ग्रीन। केवल ये तीन रंगों से हमको ये बनाना है। इसका तरीका देख लीजिए क्या क्या है इसका तरीका। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो हाईलाइटेड एरिया है, जैसे ये एरिया है ना, बट इसमें हमको क्या करना है, ये देखिए, पहले येलो डाल के, है ना,
इसको हम पहले पेंसिल के निशान को मिटा लेते हैं ना, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। थोड़ा लाइट कर लेंगे है ना, रेफरेंस के तौर पे लाइट कर लेंगे थोड़ा सा। और मैंने यहाँ कर दिया थोड़ा सा, अरे यहाँ कर दिया और थोड़ा सा यहाँ मैंने कर दिया है, देखिए आप। और अब मैं क्या करूँगा, हल्का सा बिल्कुल लाइट हैंड से, ये देखिए मैंने यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह मैंने लाइट ग्रीन कर दिया, ठीक है, लाइट ग्रीन मैंने किया है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर दूँगा, मैं ऐसे मिक्स कर दूँगा ये, ताकि इसमें स्मूथनिंग आ जाए थोड़ा सा। स्मूथ होना बड़ा ज़रूरी है। और एक लाइट का इम्पेक्ट यहाँ भी है इसके अंदर, ये यहाँ पे ये भी मैं कर रहा हूँ, एक मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे लाइट के का इम्प्रेशन दिखाना है ना, वहाँ मैं यही चीज़ जो येलो और लाइट ग्रीन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं साथ ही साथ ये इसका जो स्टेम है ये थोड़ा सा लाइट होता है, लाइटर रहता है ये थोड़ा सा, है ना, ये ऐसे कर दिया मैंने, देखिए आप। मैंने लेमन येलो और ग्रीन कर दिया है। ग्रीन करने के बाद तो इसका ये एरिया यहाँ पे थोड़ा मैंने डीप ग्रीन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सैप ग्रीन हमने लिया है, देखिए ध्यान से। और सैप ग्रीन को मैंने ऐसे चलाया, देखो नीचे से डार्क लेके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर रहा हूँ, लाइट एंड से कर रहा हूँ मैं। आप अपनी मेमोरी में एक बार इसको विजुअलाइज करेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है और कैसी चमक इसके अंदर होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम कलर को करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, ये करने के बाद अब मैं लाइट ग्रीन कलर है ना, लाइट ग्रीन यहां से स्टार्ट करूंगा जहां से ये मैंने लाइट का इंप्रेशन दिया था, देखिए आप, ठीक है। और फिर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूं। कलर इसमें दो ही दो तीन ही है बस, बट इनको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ताकि जो इम्प्रेशन हम चाह रहे हैं वो बिल्कुल रियल इसका इम्प्रेशन आए, जैसी कैप्सिकम होती है वही इम्पेक्ट आए। उसके लिए थोड़ी ब्लेंडिंग कलर की और कलर पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मिक्सिंग बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथली ये करना पड़ेगा अपने को, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आप, जो ही मैं ये कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एकदम ब्लेंड होके और एकदम बहुत ही बढ़िया इसकी टोन बन गई है, जैसी इसकी टोन होती है ना, इसका ये एक हिस्सा मैंने कर दिया, देखिए आप, है ना। अब मैं दूसरा हिस्सा करने जा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला, दिस वन। अब इसके अंदर भी मैंने जो लाइट जो कलर है ग्रीन, लाइट ग्रीन है, ये किया है मैंने पहले आउटर में थोड़ा यहाँ करके ना, ब्लेंड कर रहा हूँ उसके साथ। ये देखिए आप, ये ब्लेंडिंग कर दी मैंने, ये देखिए, ठीक है, ये। इसके बाद फिर मैं इधर आ रहा हूँ, इस साइड में भी ऐसे ही हमको करना है, तो
देखिए कैसे करेंगे हम इस साइड में, वही आपने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ डार्क कलर, ये डार्क ग्रीन आपने लिया, और वही लाइट ग्रीन आपने लेके और इसको यहाँ इसकी ब्लेंडिंग कर दी, मिक्स कर दिया आपने। ये देखिए कितना अच्छा इम्प्रेशन इसका आ रहा है। अच्छा, ये करने के बाद थोड़ी सी हल्की इसमें लाइनिंग्स होती हैं, कुछ लाइनिंग्स होती हैं, देखिए कहाँ पे ए के स्टेम में, ऐसे लाइनिंग आप है ना, इसके पॉइंट्स आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक थोड़ी सी एक यहाँ पे थोड़ा सा है, वाइट कलर आप लेके और उसमें थोड़ा सा इम्प्रेशन यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे है ना यू, और भाई थोड़ा सा यहाँ आपने कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, जो ही आप थोड़ा सा इसमें ब्लेंडिंग करेंगे ना तो बहुत ही इसमें अच्छा इम्प्रेशन आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपकी कैप्सिकम तैयार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेटर रिजल्ट के लिए आप दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।